नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए मनुष्य बहुत सारे संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा को भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या यह संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए, इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जेलसी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दसवें भाव में सूर्य के फलों के बारे में, तमाम सारी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और आप लोगों के जो प्रश्न हमारे पास आएंगे मेल के माध्यम से, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर हम जरूर लेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे पहली चार राशियों को लेकर, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन आपके लिए राहत भरा है। पिछले कुछ दिनों से आपके अटके हुए सारे कार्य आज पूरे होंगे। अपने गुरु का आशीर्वाद लेके आज दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 50% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, कार्य क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग को आज बड़े ऑर्डर, बड़ा धन लाभ हो सकता है। शिव जी का आज शिव अभिषेक करें तो आपको शुभता प्राप्त होगी। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 40% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छात्रों को आज ज्ञान में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें मान और यश की प्राप्ति भी होगी। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आपके रुके हुए आज सारे कार्य पूरे होंगे। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आज उन्हें बड़ा धन लाभ और बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे। गौ माता की सेवा करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, अगर आप लोग किसी प्रकार के कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या किसी भी समस्या का समाधान के लिए उसका उपचार चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश की जा रही है। इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स हैं, यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये चार चीज़ें सिर्फ आपको भेजनी है। इसके साथ आप अपना सवाल भेज सकते हैं और यहाँ आचार्य जी आपको उन सवाल के माध्यम से, उन डिटेल्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है या कुंडली में क्या कुछ कारण है आपकी समस्याओं का, उनका समाधान भी बताते हैं। आचार्य जी, जैसे कि हमने जिक्र किया, कुछ यहाँ पर प्रश्न लेना चाहेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं, 10/12/1980 और समय है 5:30 सुबह का और बर्थ प्लेस है मुजफ्फरनगर। इनका नाम मोहित है और इनका सवाल है कि मेरे बेटे से बातचीत पूरी तरीके से बंद है। कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, क्या उपचार करना चाहिए ऐसे में? आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन और धनु राशि की है और इन्होंने बताया कि अपने पुत्र के साथ इनके कुछ मतभेद उभरे हुए हैं और आपस में बातचीत नहीं हो रही। पंचम भाव को हम देखेंगे जहाँ पर बृहस्पति की राशि उदित होती है और बृहस्पति इस कुंडली में 11वें भाव में विराजमान हैं, शत्रु शनि के साथ और शत्रु राशिस्थ हैं बुध की राशि के ऊपर। दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं और दशा चल रही है राहु में शुक्र की। राहु जो विच्छेदकारी प्लैनेट है, रिश्तों को तोड़ता है, चीज़ों को
अलग अलग करता है। और राहु की जो स्थिति है वो भी इस कुंडली में नवम भाव में बनी हुई है चंद्रमा की राशि के ऊपर, जो कि वो राशि भी राहु के लिए बहुत ही अनिष्टकारी मानी गई है। आपको क्या करना चाहिए, आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कच्ची हल्दी लेकर आपको हर बृहस्पतिवार को जल में प्रवाह करनी चाहिए, साथ साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ करें। ये दोनों पाठ यदि आप करते हैं और बच्चा यदि घर में है, घर में रहता है, तो जब वो सो रहा हो तो उसके आसपास 7 केले उसके सिर से घुमा के उसको किसी गरीब को दान कर दें या किसी धर्म स्थान पर दे दें, धर्म स्थान के बाहर बैठे गरीबों को दे दें। बहुत जल्द वो बच्चा आपको समझना शुरू हो जाएगा और आपकी ये समस्या आपस में उसका निदान हो जाएगा। और अभी जो समय आपका चल रहा है वो भी 24 जनवरी 2024, जो कि बहुत नज़दीक है, उसके बाद शुभ शुरू हो रहा है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल के होंगे। जो भी यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बातें बताई हैं उनका अवश्य ध्यान रखिएगा, जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आचार्य जी, एक और प्रश्न यहाँ पर लेना चाहेंगे। ध्रुव सिंह हैं और इनका मेल आया हमारे पास। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2003 और समय है 5:55 शाम का जी। इनका प्रश्न है कि मैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, और मैंने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है साइंस स्ट्रीम में। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या उपचार करने चाहिए इसके लिए जी? आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मकर लगन और मेष राशि की है। ये बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, 20 वर्ष की आयु है, फिर भी करियर की और उसका ध्यान है, जानना चाहता है किस करियर में जाना चाहिए। दशम भाव की यदि आप स्थिति देखें तो तुला राशि उदित होती है। तुला राशि व्यापार की राशि है, मुख्यतः ऐसे लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में ही उनको बड़ी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि तुला का मतलब ही व्यापार है, तोलना चीज़ों को। साथ साथ यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट फील्ड होगी वो मेडिकल की फील्ड होगी। साथ साथ आप आधुनिक चीज़ों का काम कर सकते हैं, लग्जरी चीज़ों का काम कर सकते हैं, या महिलाओं से जुड़ी हुई कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों तो उस क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, उस चीज़ में काम करते हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बात करेंगे अन्य 4 राशियां जो कि हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशि। सिंह राशि वाले परिवार का माहौल आज सकारात्मक रहेगा, आपस में सब जनों का एक दूसरे से प्रेम आज बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यार्थियों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज गणेश जी आपके ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं, आज जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज कोई नया रिश्ता भी आपका बन सकता है। तुलसी माँ के आगे दीपक जलाना दिन की शुभता को और अधिक बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज परिवार में जीवन साथी का सहयोग और परिवार के सब लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिछले कुछ दिनों से आपस की कटुता आज समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन, वैभव और समृद्धि की आज प्राप्ति होगी। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज कोई जल्दबाजी में फैसला ना लें, वरना मान सम्मान धन सभी चीज़ों की हानि होने के योग बन रहे हैं। आज कोई चीज़ आपकी खो भी सकती है। माँ दुर्गा की आराधना करके दिन को शुभ बनाया जा सकता है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी, जो अब हमारा प्रश्न है वो हमारे टॉपिक को लेकर कि जैसे कि हम बात करने वाले हैं दशम भाव में, सूर्य अगर 10वें भाव में होता है, विराजमान होता है, ऐसे में जातक को हम कैसे पहचानते हैं या उनका स्वभाव कैसे देखते हैं और क्या इनकी विशेषताएँ होती हैं, क्या सूर्य फल देता है? धन्यवाद चेल्सी जी। सूर्य के भावों की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं दशम भाव पे। पहले तो आप ये जान लें दशम भाव क्या है। दशम भाव कुंडली में हमारा कर्मेश माना गया है,
जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे वो दशम भाव से देखे जाते हैं। इस ग्रह के जो कारक मालिक हैं वो उसके स्वामी बनते हैं, वो शनि देव बनते हैं। और दशम भाव अष्टम भाव से अष्टम से अष्टम है तो ये सूक्ष्म मृत्यु भाव भी है, इसे कुछ विद्वान इसे पिता का भाव भी मानते हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य जब यहाँ हो तो क्या होता है। दसवें भाव में स्थित सूर्य बहुत सारे अनुकूल परिणाम देते हैं, फलस्वरूप यहाँ आपको बुद्धिमान विद्वान और प्रसिद्ध बनाते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, आप कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने वाले व्यक्ति होते हैं, आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, आप लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, आप किसी सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं या खुद सरकार का एक अंग भी हो सकते हैं, यानी कि आप राजनीति में मंत्री विधायक या सांसद बन सकते हैं। आप एक उदार चरित्र और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होंगे, आप अपनी व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध होंगे, आप अपनी उदारता के कारण लोकप्रियता हासिल करते हैं, आपके पिता दीर्घजीवी होंगे और पिता के साथ आपके संबंध संतोषजनक रहेंगे। यहाँ स्थित सूर्य आपको कुछ नकारात्मकता भी देते हैं, आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, आपकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ता है, आपके अस्तित्व को बढ़ने के साथ साथ आप अपने रिश्तों को भी कई बार इस क्षेत्र में पीछे छोड़ देते हैं। 22 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु के बीच आपका जीवन संपूर्णतया ऐश्वर्यशाली होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे दर्शकों बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु मकर कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, रोजगार में आ रही परेशानी आज आपकी दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना गंगा जल के साथ आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज व्यापार में सावधानी बरतें, आज व्यापार में कोई नुकसान होने का योग है, आपकी अपनी लेबर या काम करने वाले कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज समाज में आपकी नई पहचान बनेगी, मान सम्मान धन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है, घर में आज मेहमानों का आगमन भी हो सकता है, शिव चालीसा का आज पाठ करें। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज का दिन तनाव भरा है, कोई मानसिक परेशानी आज आपको घेर सकती है, शारीरिक परेशानी भी आज आपके पास आ सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन को शुभ बनाया जा सकता है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज केवल 40% ही आपको सहयोग कर रहा है। और उसके बाद बात करेंगे दर्शकों बर्थडे टिप्स में, यानी कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन सा टिप्स फॉलो करनी चाहिए, आइए जानते हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटे गरीब जरूरतमंद बच्चों को कुछ विद्या का सामान, कुछ पेंसिल शॉर्पनर कॉपियां ये भेंट करें। अगर आप उनको भेंट करके उनका आशीर्वाद आज लेंगे तो पूरा वर्ष आपको सफलताएं और खुशियां प्राप्त होंगी। उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गौशाला जाकर गौमाता की सेवा करें, उन्हें चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, जो भी चीज़ आप उन्हें खिला सकते हैं उन्हें खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। एवॉइड ऑफ द डे में जानते हैं कि आज के दिन आपको कौन सी चीज का प्रयोग नहीं करना है। एवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें सेम फली का प्रयोग नहीं करना है, यह हमारे लिए नेष्टकारी साबित होगा।
आचार्य जी, इसके बाद टिप ऑफ द डे में आज आप कौन सा टिप देना चाहेंगे? टिप ऑफ द डे में आज बंदरों को गुड़ चना खिलाकर, केला खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।